नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो ब्लड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए, जो कि आपके लिए लेके आए जी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ये ऑफिशियली वेबसाइट, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जी। पूरी डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे कौन से में डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट निकली हुई है, कौन सी यूनिट में। ठीक है जी, यहाँ पर देख सकते हो हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स। ठीक है जी, और इसमें सबसे पहले बात करें AOC एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर। ये कानपुर अलग अलग पोस्टें जी, अलग अलग कह लें यूनिट वाइज, स्टेशन वाइज। ठीक है, इसमें कुक की दो पोस्टें, जैसे पहले भी पोस्टें निकली हुई थी वो अलग अलग स्टेशन वाइज थी, हेडक्वार्टर वाइज थी, बट ये भी हेडक्वार्टर वाइज है। इसमें एक्सटोर फोर्स पोस्टें निकली हुई हैं, पहले भी आपको वीडियो इस चैनल पर मिली है, वो नोटिफिकेशन आने पर मिली थी। मैंने इसी चैनल पर वीडियो बनाई है इंडियन एयरफोर्स की, वो जब ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है तब बनाई है। अब ये नोटिफिकेशन आपका फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, इसमें दो वैकेंसी हैं जी कानपुर में, वो भी कुक की। उसके बाद कानपुर में ही है जी रेफ्रिजरेटर की है, AC की है, और इसमें एक पोस्ट है कुक की, फिर एक पोस्ट है चंडीगढ़ में, और तमिलनाडु में देख सकते हो मैस स्टाफ की एक पोस्ट है, ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। और न्यू दिल्ली में कारपेंटर की एक पोस्ट है, वो भी इकोनॉमिक विकास सेशन की है जी एक पोस्ट। और न्यू दिल्ली में ही ये एड्रेस आपको एयरफोर्स स्टेशन के दिए हुए हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की एक पोस्ट है, वो भी जनरल की, और एक एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन का अलग ही रिजर्वेशन कोटा होता है। ठीक है जी, इसी तरह नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, तो MTS की पोस्ट है जी इलाहाबाद में, दो MTS की पोस्ट है जनरल की, और MTS की कानपुर में भी दो पोस्ट हैं जी एयरफोर्स कैरी, सेम स्टेशन है, सेम नहीं है, CO है वो AOC है, और इसमें एक पोस्ट है जी वो भी जनरल की है, और MTS की कानपुर में ही है जी पोस्ट MTS की, वो भी एक जनरल की है। अब बात करें वेस्टर्न एयर कमांड की, वो है जी हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड की, बट ये वेस्टर्न एयर कमांड है। वेस्टर्न एयर कमांड में कौन कौन से आते हैं, वो वेस्टर्न एयर कमांड की पूरी डिटेल आपको बताते हैं पोस्टों की। इसमें देख सकते हो एयर ऑफिस कमांड, कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अंबाला कैंट, अंबाला कैंट में हरियाणा में, LDC की एक पोस्ट है जी। ठीक है, वो भी OBC की। CMTD की आपको एक पोस्ट देखने को मिल जाएगी, ये सारी एक एक हैं। ठीक है जी, और ये उत्तराखंड में, गाजियाबाद में, बीकानेर राजस्थान में, और कसौली सोलन में, और ये आ गया जी बसंत नगर न्यू दिल्ली में। ये एक एक दो दो पोस्ट है, किसी में कुक की है, CMTD की है, ये सारी सारी पोस्ट है, आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ज़्यादा डिटेल आपको LDC क्या होता है, CMTD क्या होता है, वो प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन गाइड करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप इसमें OBC के लिए रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल रहने वाली है, जो कि 5-10 साल होती है 5 साल। ठीक है, 3 साल OBC के लिए और 5 साल आपके लिए SC ST के लिए, PWD के लिए 10 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 6 मंथ है, जो कि आर्म्ड फोर्स से एक्स सर्विसमैन होंगे। ठीक है, और जो कैंडिडेट SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो अप्लाई करेंगे, यानी कि SC BC कैटेगरी तो है बट वो पोस्ट जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एज ए जनरल ही वो काउंट होंगे, उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के लिए 40 साल जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए 45 साल जनरल SC ST के लिए, आपको जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए। ठीक है, A और C इसमें क्या फुल फॉर्म है जी, AC मैकेनिकल की क्या फॉर्म है, इसमें लेवल पे स्केल का 7th CPC रहने वाला है, और 10वीं मांगी हुई है। AC का मतलब एयरक्राफ्ट मैकेनिक की पोस्ट है इसमें, यानी आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का आपका एयरक्राफ्ट मैकेनिक का एक्सपीरियंस हो। कारपेंटर स्किल्ड की बात करें तो सेम ग्रेड पे है, 10वीं बेस पर है जी, ITI की हो कारपेंटर में, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करें तो 10वीं हो और 1 साल का कुकिंग का आपका एक्सपीरियंस हो।
और इसके बाद नेक्स्ट बात करें सिविलियन सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की, इसमें आपकी 10वीं मांगी हुई है और मस्ट बी होल्ड ए सिविल ड्राइविंग लाइसेंस या लाइट और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, और आपकी प्रोफिशिएंसी ड्राइविंग में होनी जरूरी है। एलडीसी जो शॉर्ट फॉर्म में था, एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें 10वीं 12वीं मांगी हुई है जी 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश स्पीड, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी स्पीड आपकी मांगी हुई है। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की बात कर लेते हैं, तो इसमें देख सकते हो आपकी 12th मांगी हुई है और आपकी टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड्स मांगी हुई है। स्टोर कीपर की बात करें, प्लस 2 मांगी हुई है और आपका किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर का स्टोर कीपिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैसेज स्टाफ की बात करें, 10वीं मांगी हुई है और 1 साल का आपका वेटर या वाशर का किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लेते हैं, 10वीं मांगी हुई है और 1 साल का आपका लेक्चरर या वॉचमैन का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट बात करें जी हाउ टू सिलेक्टेड द कैंडिडेट, कैंडिडेट को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा। सारे कैंडिडेट की एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेशन के बेस पर ही उनको रिटन टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा, और जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैथ्स के लिए जो सिलेबस रहने वाला है जी, ये हाईलाइट कर दिया जी, ये सिलेबस देख सकते हो, सभी का सिलेबस आपको हाईलाइट कर दिया। इसमें मैथ्स स्टाफ और MTS के लिए इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। स्टैंडो ग्रेड सेकेंड के जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशन के क्वेश्चन आएंगे, और बाकी सभी ट्रेड्स के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें इंग्लिश एग्जाम आपका बायलिंग्वेज में होगा और कैंडिडेट एक पोस्ट यानी कि एक पोस्ट है सिर्फ, तो उसके लिए 10 गुना कैंडिडेट यानी कि 10 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है जी, एक पोस्ट के लिए, यानी कि एग्जाम तो हो सकता है ज़्यादा भी दें और बट एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए जाएंगे और उसमें वेटेज आपकी 100% वेटेज आपकी उसकी रहेगी रिटन एग्जाम की, और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या आपका इंटरव्यू होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर पे होगा। ठीक है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर प्लस में आपकी जो वेटेज रहेगी एग्जाम पे, रिटन एग्जाम पेपर की, उसके बेस पर ही आपका ये सिलेक्शन मोड रहने वाला है। अब बात करें जी इंस्ट्रक्शंस जो आपको सारी की सारी बता दी हैं, अब बात करें जी हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म आपको यही फॉर्म मिलेगा जी, इसमें आप कोई टाइपिस्ट है तो हमें प्रोवाइड करवा दें, हम आगे भी प्रोवाइड करवा सके किसी कैंडिडेट का भला हो जाए, तो ये परफॉर्मा आपको बता दिया है। ठीक है, या पेंट में भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पेंट में भी इसको सेट कर सकते हो जिनके पास PC है, तो आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि आप कैंडिडेट्स को ये परफॉर्मा सही मोड में मिल जाए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सी यूनिट में अप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो साथ में चिपकानी है और स्टेपल नहीं करनी जी, चिपकानी है, और साथ में आपने ये अपने खुद के साइन, सेल्फ टेस्टेड साइन भी करने हैं। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, और यहाँ पर जैसे ये बड़े अक्षरों में एप्लीकेशन लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ भी आपने लगाना है जी, वो भी सेल्फ टेस्टेड। तो यहाँ पर कितनी डेट बन गई ये आपको 1 फरवरी को मैंने प्रॉपर वे में चैनल में बताया, वहाँ से देख सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखना है, पूरी परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पर पूरा गिवन करना है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें जी, कैटेगरी कौन सी है, OBC, SC, ST या जनरल, वो लिखना है। एजुकेशन 10वीं 12वीं BA ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी वो, और कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और उसका सर्टिफिकेट भी देना है। स्पोर्ट्स पर्सन हो तो भी, PWD हो तो भी, ठीक है, वो भी सेल्फ टेस्टेड, और कहीं पर ट्रेनिंग किया या एक्सपीरियंस हो वो भी लेना है, और यहाँ पर आपका डोमोसाइल उस पर भी आपने सिग्नेचर करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो आर्म्ड फोर्स से तो वो सारी की सारी डिटेल लिखनी है यहाँ पर, यस करके, रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, सारी डिटेल यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, यहाँ पर फॉर्म आपका साइन करने हैं, साइन करके आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखना जी। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट कार्ड में आपका नेम, फादर नेम, ठीक है जी, और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, और यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगा कर सेल्फ टेस्टेड करनी है, बस इतना वर्क करके
आपने ये सारे के सारे इसके साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, यानी कि 10वीं 12वीं आधार कार्ड, रेजिडेंसी प्रूफ आधार प्रूफ, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, यानी कि आपके कैटेगरी है तो कैटेगरी प्रूफ लगाने हैं, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप examjobalert.com पर भी विजिट कर सकते हो, इसमें भी आपको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक है। और कैसे अप्लाई यहाँ से देख सकते हो, एयरफोर्स IAFC की 5/2022 आपको एडवर्टाइज नंबर मिल गया, इसमें 21 पोस्ट हैं 10वीं 12वीं बेस पर। और ग्रेड पे स्केल की बात करें तो 19,900 से 32,600 तक रहने वाला है। 2 जुलाई से शुरू हो चुके हैं जी फॉर्म फिलअप होने, 31 जुलाई लास्ट डेट है, अभी भी बहुत दिन पड़े हैं। ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी की डिटेल्स आपको अलग अलग कमांड वाइज दे दी गई है, और यहाँ पर प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया, ये देख सकते हो जी कि इसमें कितनी पोस्टें हैं, एजुकेशन क्या मांगी हुई है, सारी की सारी देख सकते हो। और यहाँ पर रिटर्न में भी एजुकेशन आपको दे दी है, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना, कोई मिसगाइड ना हो, ठीक है। और आपका रिटर्न एग्जाम क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पर कैसे आपने फिलअप करना है, ये प्रॉपर वे में आपको डिटेल दे दी गई है, मोड ऑफ सिलेक्शन दे दिया गया, सब कुछ सिलेबस तक आपको प्रोवाइड हमने करवा दिए। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको शायद एक पोर्टल पर मिल जाएं, बट हम ये दावा तो नहीं करते, बट कहते हैं हमारी तरफ से 99% आपको इतनी इस पोर्टल पर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन ना पढ़ना पड़े, सिर्फ आप देखते ही नोटिफिकेशन समझ जाओ भी इसमें इतनी पोस्ट हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की बिग अपडेट्स और पाना चाहते हो चैनल पर नए हो, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।